को पाने की ये पात्रता है। जब तक अन्यत्र अच्छा लगता है, कोई अन्य पदार्थ अच्छी लगती है, अपने लगती है, उनका कोई भरोसा है, ये काम आएंगे, हमें क्या चिंता। ये तो बैठे, ये नहीं मालूम है ये करेंगे क्या। रुचिन लगे यदि कहीं तुम्हारी, कल चर्चा चली थी लोकाकाश में, एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है, सुई की नोक के बराबर स्थान भी ऐसा नहीं है जहां छह द्रव्य न हो। लेकिन वे छह द्रव्य भिन्न हैं, आत्मा भिन्न है। छह द्रव्यों का समूह व्यक्त है, आत्मा उससे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं अकेला हूं, अकेला हूं परंतु असमर्थ नहीं हूं, अधूरा नहीं हूं, बड़ा दीनता नहीं है कोई प्रकार। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, कहीं रुचि लगाने लायक भी नहीं है। अगर नहीं लगती है तो ये शुभ लक्षण है। बहुत लोग कहते घर में मन नहीं लगता, अरे घर मन लगने लायक स्थान भी नहीं है। दुकान में रुचि नहीं लगती, दुकान कोई लाभ का व्यापार नहीं है। रुचि न लगेगी, एक बार प्रभु को देखो। रुचि लग रही है ये विपरीतता है। तिल का तेल जब तक ही मीठा लगता है, मीठा तेल कहते हैं उसे, जब तक घृत का स्वाद नहीं आया। जब घृत का स्वाद आया
तो तिल का तेल भी मीठा नहीं लगेगा। ठीक है, मीठा नहीं, अपने लगते हैं। क्यों? अपने को देखा नहीं है, अपने को समझा नहीं है। ये अपने ही तो हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, क्या अच्छी है। उस भाव को सुशील कैसे कहें जो संसार में ही दाखिल करने वाला है। वह पदार्थ अच्छा कैसे है जिसका वियोग अनंत दुख का कारण है, वियोग की कोई सीमा नहीं। वियोग हुआ सो हुआ, संयोग का वियोग तो निश्चित है, लेकिन वियोग के बाद फिर संयोग होगा पता नहीं, कब होगा कैसे होगा। मनुष्य पर्याय फिर मिल जाएगी, अरे मिल जान दे, लेकिन करना क्या है? फिर मिलेगी तो क्या करोगे? वो अभी क्यों नहीं कर रहे? मनुष्य पर्याय फिर नहीं मिल सकती तो मिल सकती है। अरे सम्यक दृष्टि को तो देव पर्याय और मनुष्य पर्याय के अलावा और पर्याय ही नहीं मिलती। जितने जीव सम्यक दृष्टि हो गए उनको देव पर्याय और मनुष्य पर्याय, देव पर्याय मनुष्य पर्याय, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव। जितना संसार में रहना बाकी रह गया को गति में तो जाएगा नहीं। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, ये भरी होनार का लक्षण है, कुछ रुचता नहीं है। क्षीर सागर का जिसने जल पिया है उसको लवर समुद्र का खारा पानी कैसे रुचेगा? जितने जिसने अपने को देखा उसे पर अपना नहीं दिखता, रुचि नहीं लगती। और रुचि लौकिक में भी देखा जाए तो अपने में ही रुचि लगती है। अपने लिए कोई कार्य करो, अपना कार्य करो, और पर के लिए करो, पर का कार्य करो। पर का कार्य करने में, पर के लिए कार्य करने में कुछ अलग बात होगी, और अपना कार्य है ये तो अलग बात। अंतर की भावना अलग होती है, तुम्हें प्रभाव न करनी हो और हमें प्रभाव न करनी हो, बहुत अंतर हो जाएगा, बहुत अंतर हो जाएगा। तुम्हें प्रभाव न चलनी हो तो तुम्हारा सोच चलेगा, और प्रभाव न करनी है तो चले आएंगे भाई, करे आएंगे प्रवचन। भक्ति कर आएंगे, गा लेंगे, एक जने संग भेज दो। स्वयं करना हो, मुझे अपना हित करना हो, अलग बात है, और भैया अपना हित कर लो, अलग बात है। गुरु महाराज कहें अपना हित करो अपने, तो अलग बात है, और हमें अपना हित करना हो तो अलग बात है। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, कहीं रुचि नहीं लगे तो एक बार निज को देखो। सर्वत्र लगाना कोई शरण नहीं है, झूठी बात। आत्मा को छोड़कर कोई शरण नहीं है, आत्मा को अलग कर लेना। आत्मा के लिए आत्मा ही शरण भूत है। आत्मानुभव स्वयं आनंद रूप है, आत्मज्ञान स्वयं सुख रूप है, कोई शरण नहीं है। क्या हमें शरण की जरूरत कहाँ है? कोई शरण नहीं है, शरण की जरूरत कहाँ है? देखो तो सही, कोई शरण है नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है।
आत्मा को आत्मा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, अन्यथा नहीं हो सकता। कोई शरण है नहीं कि शरण हो नहीं सकता, शरण दे नहीं सकता। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। अंजना को उसके माता पिता शरण दे नहीं सके, भाई की भावना भी हुई, उसने कहा भी ऐ चुप रहो, चुप कर दिया उसने। पाप के उदय में शरण का निमित्त नहीं बनता, अंजना के पाप का उदय था, उस प्रतिमा का अनादर किया था, उस पाप का उदय था। प्रतिमा के अनादर रूप महापाप का उदय, कोई शरण नहीं है। माता पिता चाहे तो शरण नहीं दे, नगर निवासी चाहे तो रोक नहीं सकते, राजकुमार युवराज जो चाहे तो भी नहीं कर सकता। क्या करें? मैना सुंदरी कहा ये योग था, अब क्या करें? सबने कहा, सबने थूका एक तरह के, लेकिन तो अभी पौपाल नहीं माना। थूको रे थूको मोइलाजी नहीं, कह दिया चुप रहो, यही होगा, हमें उसका भाग्य देखना। अरे भाई क्या करें, क्रोध अंधा होता है। बहुपाल को भी क्रोध आ गया तो अंधा हो गया, ये नहीं दिखाई दिया ये मेरी पुत्री है छोटी सी। ये नहीं दिखाई दिया, बात तो सही कह रही है, अगर करीब के घर में जाते तो कहां भोग संयोग देने जाते। अगर ये लड़की गरीब के घर में पैदा होती तो हम भोग संयोग को देने के लिए कहां जाते, सचमुच नहीं जाते। बात तो सही है उसकी, भाग्य बांटा नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता, देने लेने की करने धरने की कोई व्यवस्था नहीं। एक कर्तृत्व का अहंकार तो अज्ञानी को होता है, जैसे अपना आत्मज्ञान हुआ उसे कर्तृत्व का अहंकार नहीं आया। धर्म तीज की प्रवृत्ति होने पर भी, दिव्य ध्वनि खिरने पर भी उन्हीं का कल्याण होता है जो स्वयं पुरुषार्थी होते हैं। नहीं तो ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा बहुत पुण्य बन गया। सब थोड़ी समझ आते हैं, समोसरण में भी चौथी काल में सब मोक्ष ही नहीं जाते, साथ में नरक भी जाते हैं। तुम कहते हो शरण नहीं है, हम कहते हैं परमार्थी। एक तो बार देखो कि शरण की जरूरत नहीं है तुम्हें, और व्यवहार से ये देखो शरण दे सकता नहीं, सहन करना पड़ेगा। सहे क्यों नहीं जियरा, इतना तुमने कर्म बांधा है उसका उदय आया, सहन करो। क्या उपाय, कहां बचा सके थे नारायण और बलभद्र जैसी योद्धा, अपने माता पिता को भी कहां बचा सके थे। द्वारका की अग्नि में भस्म हो ही गए, कसाय की अग्नि में भस्म हो जाने से पहले सोच लेना, कोई नहीं बचा सके।
जब कहीं रुचि न लगे तो निराश मत हो जाना। कोई शरण न दिखे तो निराश मत हो जाना। कोई सहारा है नहीं, विकल्प मत लाओ। चतार शरण पाठ पढ़ निज की शरण आओ। चारों ओर जिस समय आपत्तियों का ढेर हो, उस समय भी ज्ञायक ज्ञायक है, भगवान आत्मा भगवान आत्मा है, कुछ नहीं हो सकता। क्या करेंगे? गुरुओं के कहे हुए अर्थ को बारंबार विचारता है, दिन भर विचार करो। है काय के लिए? निवृत्ति जीवन इसीलिए होता है, तत्व निवृत्ति जीवन। दुनिया की झंझटों से बचने के लिए वैराग्य नहीं है, आत्मा की साधना आराधना के लिए वैराग्य है। कौन कमाए? पुण्य के उदय में नहीं कमाना पड़ेगा स्वर्ग में, तो वहां तो अच्छा है। भोग में नहीं कमाना पड़ेगा तुम्हें। अरे कौन कमाए? जिसने दान नहीं दिया है वो कमाएगा? जिसने दान नहीं दिया है उसको कमाने की मजबूरी है। जिसने दान दिया है उसे मिलेगा। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? कि अब जैसे दान दिया होगा, अगर आदर पूर्वक दिया होगा तो आदर से मिलेगा, अनादर से दिया होगा तो अनादर से मिलेगा, अहंकार से दिया होगा तो अहंकार से मिलेगा। हम कह रहे अपने जिसको तुम अपना कहती हो, कैसे कह देती हो अपना? अपने उस घर में कहने वाले मिल जाते हैं, कैसी कह देती? खाना वो खा लो, नहीं खाना मत खा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, एहसान नहीं कर रहे किसी पर। सच्ची बात है, खाना वो खा लो, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, तुम भटकोगे। हम क्या करें? इसी भाषा छेडाला में लिखा है, ताए सुनो भव मंथना, जो चाहो अपनो कल्याण। हम क्या करें? अगर अपन कल्याण करना हो तो सुनो, नहीं तो अनसुनी करते हो। ताए सुनो भव मंथना, जो चाहो अपना कल्याण। अपना कल्याण करना हो तो इन वचनों को सुनो, और नहीं कल्याण करना हो तो ठीक है। जब तक पुण्य का हो जाए तब तक भोग सामग्री है, जुगनू की चमक है। हा खजूत बस स्वदिष्टारो द्योतन थे कुचित कुचित, कहीं कहीं चमकते हैं। जुगनू की चमक कोई स्थायी थोड़ी है, सूर्य की चमक जैसी थोड़ी है। ये पुण्य का वैभव बना नहीं रहेगा, ये न ये बुद्धि बनी रहेगी, न ये समय बना रहेगा, न ये शक्ति बनेगी। इसलिए जो बना रहेगा सो उसे देखो, आत्मा ही बना रहेगा तुम्हारा। संयोग थोड़ी बने रहेंगे, सुनना हो तो सुनो, ये कह रही है। मैंने इस सुनने में तुम्हारा हमारा ही हित है, कि और की बात नहीं है। सुनना हो तो सुनो। और नहीं तो हंसी मुड़ाती हो, अवसर तो चला जाएगा संसार में, पर होगा।
रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, कहीं भी रुचि न लगे तब आत्मा की रुचि लगेगी। दृष्टांत दिए थे पहले, जब उसको कोई शरण नहीं दिखाई दिया, फाटक खुले नगर के, तब राजा नंगी पैर दौड़ा मनोरमा के पास, पुत्री नगर का संकट दूर कर, तेरे कारण यह बामी समझ में आ गई, किसी उपाय से ऐसे समझना चाहिए, अन्य उपाय से हमारे सुख की सिद्धि नहीं होगी। लड्डू खाका करके हम कभी सुखी नहीं हो पकेंगे, नाना प्रकार के भोग भोग करके हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, देख देख करके कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे। न तीर्थंकर जैसा रूप है, न तुम्हारे हजारों नेत्र बनाने की सामर्थ्य विक्रिया है। हजार नेत्र बनाए इंद्र ने और तीर्थंकर के बाल रूप को देखा तो अभी तृप्त नहीं हुआ। तुम्हारी मान्यताएं खोटी वासनाएं ऐसे मिटेंगी, अन्य कोई उपाय नहीं। रूप को देख देख करके तुम तृप्त नहीं होगे। पहली इच्छा है विषयों का चिंतन, विषयों को देखने की अभिलाषा, और अंतिम दशा है मरण। मर जाएगा अंत में, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही तड़पेगा और अंत में मरण को प्राप्त होगा। गई कर जाओ निर्वाह न हुए है, यहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, यहां से पलायन करो, हटो। हटाओ जी नहीं कहा, हटो। अपनों का नुकसान है तो कौन को नुकसान है ये बताओ। अपने परिणामों से अपना ही बुरा होता है, किसी और का बुरा होता है। लेकिन ये दिमाग इतना चलता तीव्र, अपनों का नुकसान है। जो सबको हो या सो अपनों हो, अरे प्रभु, छह से आठ जीव मुख जाते हैं, सबरे इकट्ठे तो नहीं जाते। और कितना ही कठिन कंपटीशन हो तो सोचोगे हमारा नंबर कैसे आए। बीस प्रत्याशी एक पद के लिए खड़े हैं, वो हर प्रत्याशी ये जीतेगा, हम कैसे जीते, अपनी छांट गांठ लगाए। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, जब तक रुचि लगेगी तब तक आत्मा के समझने की पात्रता भी नहीं होगी। एक दृष्टांत दिया था हमने, राजा नंगे पर भागने लगा, वो तो एक दृष्टांत था। दूसरा दृष्टांत बच्चे का दिया था, बच्चे को पांच रुपया देवे तो रुके नहीं, रुक जाए मान जाए तो वो संग नहीं जा पाएगा। कौन बालक पिता के संग जा सकता है। हमें नहीं चाहिए सौ रुपया पांच से हजार को नोट नहीं चाहिए, हमें तो संग चलने, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। साधे अनंत सुख में रहिए, हमें नहीं चाहिए इंद्रादिक पद, नहीं चाहिए ये क्षयोपशम, नहीं चाहिए ये ख्याति, नहीं चाहिए ये पूंछ, नहीं चाहिए हमें सब पूंछें। नहीं चाहिए हमें ये आवाज, दुनिया की
पुछवाने वाली बहुत नंबर एक का संगीतकार है, वो नंबर एक का गायक है। अरे हमें नहीं चाहिए लोगों की प्रशंसा, जब पिता कहकर के हार गया तब कहा चलो संग इसकी कपड़े रख दो। भाई मानता ही नहीं, क्या करें, तो मानो मत, कहीं भी सुख मत मानो, कहीं भी अपनत्व मत मानो। बहुत अच्छा लगता है स्वाध्याय में। अच्छा तो तुम आत्मानुभव कब करोगे, कैसे करोगे? अगर स्वाध्याय अच्छा लगता है तो स्वाध्याय स्वाध्याय बढ़ाओगे, जहां 4 घंटे होंगे वहां भागोगे, 6 घंटे होंगे वहां भागोगे, और फिर नहीं तो अपने मन का सुन लेगे 1-2 घंटे और बस बाद वाली भी कथा करोगे, घूमोगे फिरोगे और क्या होगा। हमें नहीं रुचता और का चूर्ण स्वभाव है। आत्मान भव होने की पात्रता है और कुछ भी नहीं रुचे। रुचि दन लगे यदि कहीं तुम्हारी, और कहीं भी अगर रुचि नहीं लगती तो फिर घबराने की निराश होने की बात नहीं है। एक स्थान रह गया, किसान ने इधर देखा इधर देखा इधर देखा इधर देखा, लड़का खड़ा था, पिताजी अभी तुमने 2 ओर नहीं देखा, ना अपनी ओर देखा ना भगवान की ओर देखा, वे देख रहे हैं इतने, उसे कोई देख तो नहीं रहा हो, कोई शिकायत तो नहीं रहा हो, अरे भगवान कह रहे हैं इसमें नहीं है, कोई शिकायत नहीं, तो सही जी चिन्ह कहां से आ गया, लक्षण कैसे बना लिया तुमने। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, रुचि का विषय एक अपना आत्मा दूसरा नहीं। ये तो बाद की बात है, सेकंड नंबर की बात है। आत्मा नहीं है तो आत्मा को दर्शाने वाले परमेश्वर गुरु, और ये और बाद की बात है, जब गुरु भी नहीं हो देव भी नहीं हो तब शास्त्र तो हैं। पंचम काल में इन गुरुओं का समागम विरल हो गया, शास्त्र का अभ्यास करो, लेकिन शास्त्राभ्यास करते समय अपनी आत्मा की महिमा जानो, पुण्य की महिमा मत सोचना। अरे तुम्हें दुकान पर व्यापार जो चल रहा है, लाभ हो रहा है, वह भी आत्मा की महिमा है। आत्मा की साधना आराधना करने वाले के प्रति, किसी के प्रति सहयोगी हुए होगे तुम, उनकी अनुमोदना करी होगी, उनको देख करके प्रसन्न हुए होगे, उसका ही फल है, पुण्य का फल है। ठीक, हम कब कह रहे पुण्य का फल नहीं है, कौन से पुण्य का फल है, वो पुण्य कहां से आ गया कि पुण्य अनेक प्रकार के होते हैं, और का एक प्रकार का होता है। अभी तो कर्णन योग नहीं पड़े, 100 प्रकृतियां पाप की और 68 प्रकृतियां पुण्य की। पुण्य का उदय पापानुबंधी पुण्य का उदय के पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय,
शराब पीने की लत पड़ गई और पैसा खूब है, खूब आ रहा है, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, खूब सट्टे की दुकान चल रही है, अच्छी दुकान चलती है, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, चाहे कछ करो, पापानुबंधी पुण्य का उदय है। कोई अपराध करते समय दंड का योग बने, ये पुण्य का उदय समझना, पाप का उदय मत समझना। पाप के उदय से दंड मिलता है, लेकिन हम ये कहते हैं अगर कोई अपराध करने के लिए जाओ और बीच में दंड मिल जाए, रुक जाओ, तो पुण्य का उदय समझना, आगे नहीं बढ़ी, बड़ा दंड होता, छोटा दंड होकर के रह गया, इतना समझो। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, अनाथ है। क्यों? किसी ने टोका होगा, सुना होगा, सुनी नहीं होगी, तब ये मन में सोच लिया होगा कछु नहीं कहन दे, ज्ञानियों को इतना राग कहाँ है जो भी तुम्हारे पीछे पड़े रहे, गुरुओं को इतना राग कहाँ है भी तुम्हारे पीछे तुम्हें अकेले को देखते रहे। अरे औरों को तो रुचिवान देखें तो थोड़ा बहुत उनका भला करे, बात वहीं छोड़, मानी तो सवास, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य, इसी प्रकार पढ़ में तू, हम क्या करें। रुचि न लगे यज कहीं तुम्हारी, सुख न देखे कहीं, कहीं भी सुख नहीं दिखाई देता, कहीं भी ज्ञान दिखाई नहीं देता, कोई शरण नहीं दिखाई देता, ऐसे समय में भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी निराश नहीं होते, ज्ञानी निराश नहीं होते, ज्ञानियों ने पहले ही कहा कहीं सुख नहीं है, कहीं ज्ञान नहीं है, कहीं प्रभुता नहीं है, निराश माने पहले से ही आशा मत करो। निराश का मतलब ये है पहले से ही आशा मत करो, ये मत सोचो पहले से ही कि पैसा होगा तो काम चलेगा, पैसा होगा और विवेक नहीं होगा तो क्या काम चलेगा, ये बताओ। पैसा होगा और विवेक नहीं हो तो केवल पैसा का मद होगा और पैसा का दुरुपयोग होगा। हमारे पास तो पैसा है, अरे सुखा करे वो पैसा, हमारे शरीर में ताकत है, हमारी तो बुद्धि बहुत है, हम वकील हैं, अरे का बात का हो है वकील, तुम्हारी वकालत का काम करेगी, हमारा चोर समझा दे हम तो पंडित जी हैं, का करोगी पंडित जी, अनित्य भावना में लिखा है, अचरण भावना में लिखा है, कार्तिकेय अपेक्षा में तो करे ही कहा, कोई ये सोचे मेरी लक्ष्मी कहां जाएगी, मैं तो बहुत सूरवीर हूं, अरे सूरवीर हो तो क्या करेगा, जिसकी आयु बाकी है उसको नहीं बचा पाएगा, यहां से गोली चलाएगा ऐसे निकल जाएगी,
दीवान जी को कहां राजा मार सका, तोप के गोले ठंडे पड़ गए। राजा ने तोप के गोले छोड़ने की आज्ञा दी, निशाना देखा, सही बात तो है सही, और तोप के गोले ठंडे, पहले ऐसे निकल गया फिर ऐसे निकल। अच्छा तुम सब दीवान जी का लिहाज करते हो, उनको मारना नहीं चाहते, महाराज आप देख रहे। तो ठंडे पड़ गए, तुप के गोले ठंडे पड़ गए, इसमें क्या है, कथाएं ठंडी पड़ गई, कथाएं ठंडी पड़ गई। तुप के गोले क्या होते हैं, तुप के गोले से खतरनाक भयानक कसाएं होती हैं, कसाएं से थोड़ी ज्यादा खतरनाक है बे तोप के गोले। कि कौन से मंत्र तंत्र को तुमने साध लिया, किससे प्रार्थना की, कोई से नहीं। तुम कितने ही सूरवीर हो, भले तुम्हारी शक्ति बहुत है, लेकिन आयु जिसकी पूरी नहीं हुई नहीं मार सके। ये तो खैर अपनी एक चमत्कारिक बातें आप समझ लेते हो। एक शिकारी, उसने पक्षी को मारने के लिए तीर कमान लिया, नीचे ऊपर से बाज, बीच में पक्षी, नीचे शिकारी, और उसी समय में एक सर्प निकला या चींटी निकली, उसने शिकारी को डसा, डगमगाया, सो तीर बार को लगा और उनको कुछ नहीं करो। पक्षियों को मारने के लिए तीर लगा और वो तीर लगा बाज को, सुबाज मर झपट्टा खा गिर गया और शिकारी वैसे ही मर गया। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका हो सके, जो जग बैरी हो। तुम बैर करके कर का लोगे, लूट के का कर लियो, ऐंट के का कर लियो तुम, हम लूट गए। हमारे पंडित जी तो बहुत अच्छी हाल क्षमा कर दिए। अरे क्षमा, पंडित जी की क्षमा तुम्हारे का काम आएगी, तुम्हारे पाप का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, ऐसा सोचने वाली। उन्हीं का क्षमा मांग दी, गलती हुई क्षमा मांग दी। हमने आपको एक दर्शन दिया था, धर्मार्थ औषधालय इसलिए नहीं होते, मुफ्त की दवा इसलिए नहीं मिलती, सरकारी हॉस्पिटल होते, जानबूझ के बीमार पड़ो और फिर कौन जा दवाई ले। अरे रोग की वेदना कौन भोगेगा, सरकारी हॉस्पिटल में पैसा नहीं, 10 रुपया का पर्चा बने वो बताओ। लेकिन ये बताओ पैसा नहीं लगा, ये बात ठीक है तो क्या रोज बीमार पड़ो और पहुंच जाएगा के? अंत में डॉक्टर भगा देगा, अंत में तुम ही परेशान हो जाओगे। पाप छिपके कर सकते हो, पाप के फल से कैसे छिपोगे। गुटका का खा रहे कछु नहीं, यहां तो तुमने कह दिया कछु नहीं, और जब कैंसर होगा और मुंह फूलेगा तब का कहोगे, तब भी कहना कछु नहीं। दाबी तू भी ना रहे रुई लपेटिया, आपको रुई से लपेटो, दाबना चाहो तो दब नहीं सकती, ये लिखा है। दाबी तू भी ना रहे रुई लपेटिया, तुम उसे कितना ही छिपाने का प्रयत्न करो, रुचि न लगे यद कहीं तुम्हारी,
अगर तुम्हारी वास्तव में रुचि नहीं लगती तो फिर ये सोच लेना चाहिए ये शुभ लक्षण है, पात्रता जग गई तुम्हारी। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भी रुचि कहीं नहीं लगती, अगम का उसे ऐसा अभ्यास हुआ है, ऐसा तत्वों का निर्णय हुआ है, उसकी रुचि कहीं नहीं लगती। जब कहीं नहीं लगती तो उसके लिए दरबार खुला, तब मुझे स्वानुभव होता है। और उसकी रुचि ऐसी लगती है कि अनंत काल तक लगे, अनंत काल तक वहां से अपना उपयोग हटता नहीं है। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, इनकी दो तरह से अर्थ विचारना, एक तो कहीं रुचि न लगे तो निराश मत होना, और कहीं रुचि न लगे तो अपने आत्मा को देखना वहां रुचि लगे ही लगेगी। क्यों? जो चाहते हो सो मिल जाएगा, जो चाहोगे। चक्रवर्ती छखंड के वैभव से तृप्त नहीं हुआ, और छखंड के वैभव से तृप्त न होने वाला चक्रवर्ती जब निर्गंत हुआ तो स्वयं तृप्त हो गया, स्वानुभव हुआ तो स्वयं तृप्त हो गया। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्मसाधना है। ये आत्मघाती कदम मत उठाओ, कहीं नहीं रुचि लिए चलो कहीं, कहां जाओगे? लोकाकाश छह द्रव्यों से भरा हुआ है, हर जगह कहीं एकांत नहीं मिलेगा, कहीं तुम्हारा उदय नहीं बदलेगा। परिणाम बदलेंगे तो उदय भी बदल जाएगा, यही बदल जाएगा। होने के उदय में कहीं सहायक नहीं मिलेगा, कहां जाओगे? जब तुम्हें कहीं रुचि न लगती हो तो एक बार अपने आत्म स्वभाव को देखो, खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु। पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके देखो, अगर वहां आत्मस्वरूप को देखोगे तो वहां तुम्हें जो नहीं जो तुम्हें चाहिए था सो मिल गया, जो तुम्हें चाहिए सो मिल गया, सुखी हो गए। तो फिर अब क्या पूछना, रुचि लग गई। अटकलें लगाना बंद कर दो, अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं को छोड़ दो। कल्पना मात्र रम्यम, यह संसार कल्पनाओं का ही, कल्पना करने में तो अच्छा लगता है। एक गाड़ी में जा रहा हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, गाड़ी वाले को ये लगेगा कब स्टेशन आए, कब उतरे, और थोड़ी देर बैठने के बाद तो फिर लगने ही लगेगा। थोड़ी देर की कल्पना है, झूठी कल्पना है, केवल वहां की कल्पना है, यहां से नहीं अच्छा लगेगा। और जब तुम उस गाड़ी में बैठोगे ऐसा लगेगा ये भगवान कब उतरे यहां से, कहां निकले, यहां में तो घुट रहे हैं। दूर से देखोगे तो तुम्हें धनपति सुखी दिखाई देंगे, बड़े बड़े अधिकारी सुखी दिखाई देंगे, लेकिन जब तुम्हें अधिकारी बना दिया जाएगा तब तुम्हें मालूम पड़ेगी। कि वहां सुख है कि उलझन है, फूलों की तेज है कांटों का ताज है। अरे प्राइम मिनिस्टर के ठाट हैं, राष्ट्रपति के ठाट हैं, क्या ठाट,
टाइम पर भोजन करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये पुण्य अपने ठाट तू दिखाता है किसी, दूर से ही सुहावने लगते हैं, अगर नजदीक जाकर के देखोगे तो वे ऐसे लगेंगे जैसे भैया काटने को दौड़ रहे। आत्मघाती भवबंध कारक सुख प्रहारक, सुखदायक नहीं सुख प्रहारक। अब तुमने सारे विषयों को कहाँ गिना है, कहाँ सोचा है, कहाँ समझा है, तुमने तो गाया है बस और गा बजा करके मान लिया अपने को धर्मात्मा। कहीं रुचि न लगे तो कोई बात नहीं, लगना ही नहीं चाहिए। सर्वत्र जहां जहां मन लग जाता है, बहुत से लोग कहते हैं वो आदमी बहुत अच्छा, वो तो चाहे यहां एडजस्ट हो जाता है, चाहे यहां एडजस्ट हो, चाहे जिसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। कोई भ्रष्ट होगा विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, वो ही चाहे यहां एडजस्ट हो सकता है। विज्ञान घन स्वभाव का जिसे अनुभव आया, अचिंदी आनंद का स्वाद आया, वह चाहे कहीं सुख मान करके मगन नहीं हो जाएगा। जिसे विज्ञान घन अपने आत्म स्वभाव का अनुभवन हुआ, वह चाहे यहां सुख मान करके मगन नहीं हो जाएगा। कोई समझदार व्यक्ति धूरा में लूटेगा नहीं, कोई गधा होगा वो धूल में लूट करके आनंद मानेगा, कोई भैंस होगी कुत्ता होगा जो कीचड़ में लूट करके नाले में लूट करके आनंद मान, सुअर होगा समझदार नहीं होगा। समझदार होगा उसे नाले में लूट के आनंद मानेगा कि यहां बड़ी झंडक है, पुण्य के उदय में सुख मानेगा वो। हमें यहां अच्छा नहीं लगता, कहां जहां मोहियों को अच्छा लगता है वहां ज्ञानियों को अच्छा नहीं लगता, छटपटाते हैं निकलने के लिए। भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे, फंसने वाले भी पछतावे, सुख नहीं कोई पावे, धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, निजानंद की झड़े झड़ी। ये मत सोच लेना कहीं अच्छा नहीं लगता, तुम कहीं क्यों कहते हो, तुमने अभी आत्मा नहीं देखा। आत्मा में रुचेगा ही रुचेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा ही लगेगा, उपयोग कहीं बाहर निकलेगा ही नहीं, अनंत काल तक सुखी रहोगे, सहज सुखी रहोगे। अगर नहीं लगता तो एक बात ये देख ले, बोलो हाँ है तो। अरे इसी को तो तुम्हारे गुरु तुम्हें बता रहे थे, तुम्हारे भगवान तुम्हें दिखा रहे थे, उस आत्मा को देखने पर तुम्हारा भ्रम टूटेगा ही टूटेगा। आत्मा से सुंदर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ये बुराई नहीं कर रहे, कोई सुंदर नहीं है, आत्मा से सुंदर कोई नहीं है। सखियां क्या कह रही हैं, कोड़ी मिलो भरता, मैना सुंदरी क्या कह रही है,
अरे हमारे लिए कोड़ी नहीं है, कामदेव के समान है। उस कोड़ की दशा में कामदेव जैसा देखने वाली कौन होगी? कोई महासती होगी, महाशीलवान होगी। कोड़ की दशा में भी कामदेव के समान देखने वाली, संतुष्ट रहने वाली, कोई शिकायत नहीं करने वाली कौन होगी? कोई महासती होगी। तो तूने आत्मा को नहीं देखा, ना आत्मा को दर्शाने वाले भगवान को देखा, इसलिए तो ये लगता है कि हमने क्या करें, सब देख लिया, सब देख लिया। अहंकार हो रहा है तुझे। विचारना सहजानंदी।